जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। क्यों रहते हैं मकर राशि वाले हमेशा दुखी? क्यों मकर राशि वालों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है? मकर राशि वालों की क्या खासियत है और मकर राशि वालों का भविष्य कब सुनहरा होता है? इन सभी रहस्यों से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। तो आप मकर राशि वालों को ये वीडियो तो पूरी की पूरी ज़रूर देखना चाहिए मित्रों, क्योंकि इस वीडियो में मैं खोलूंगा आपके लिए कुछ ज़रूरी गहरे राज। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि मकर राशि के स्वामी शनि की स्थिति अगर आप अपनी कुंडली में चेक कराना चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं न्यायाधीश शनि देव। जिस प्रकार से शनि देव को न्याय पसंद है, अनुशासन पसंद है, उसी प्रकार से मकर राशि वालों को भी न्याय और अनुशासन काफ़ी पसंद होता है। मकर राशि वाले कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते और मकर राशि वाले अपने टाइम के, अपने काम के बड़े ही पंक्चुअल होते हैं। इसलिए ऐसे मकर राशि वालों को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी लोग ईर्ष्या भी करते हैं। मकर राशि वालों का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है जिसका प्रभाव सामने वाले पर ज़रूर पड़ता है। यही वजह है कि उनको चाहने वाले कम और उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। मकर राशि वाले किसी भी बात को अपने दिल में दबा करके नहीं रखते हैं, देर सवेर अपने मुंह से आखिर निकाल ही देते हैं, अपनी भड़ास सामने वाले पर निकाल ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मकर राशि वाले किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करते कि ये रिश्ता टूटेगा या क्या होगा, मुझे तो बस बोलना है तो बोलना है। ये मकर राशि वालों की खासियत होती है, इसीलिए मकर राशि वालों से ज़्यादातर लोग ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मकर राशि के लोग ख़राब हैं, बाकी लोगों के नज़रिए ख़राब हैं, लेकिन आप में कोई ख़राबी नहीं है। मकर राशि के लोग काफ़ी प्रेमी व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं और एक सच्चे प्यार की तलाश में उन्हें कई बार धोखा भी मिलता है और अंततः जब उन्हें कोई भी रिलेशन मिलता है, चाहे वो दोस्त का हो, प्रेमी का हो, प्रेमिका का हो, मकर राशि वाले अपने किसी भी रिश्ते को दिल की गहराई से निभाते हैं और अपने से जुड़े हुए हर रिश्तों की बड़ी केयर करते हैं। उनकी ये भावना उनसे जुड़े हुए लोगों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है। मकर राशि वाले जिससे प्रेम मतलब करे ना, ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है इनका महत्व। मकर राशि वाले अपने परिवार की काफ़ी परवाह करते हैं और परिवार के लिए दिन रात लगे रहते हैं, परिवार की चिंता में लगे रहते हैं और जीवन के शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक वे अपने परिवार को खपा देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका परिवार उनकी वैल्यू नहीं करता है। इस बात से मकर राशि वालों को थोड़ा दुख होता है कि यार, मैं अपने परिवार के लिए इतना कुछ करता हूँ लेकिन मेरे ही परिवार में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मकर राशि वालों का आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होता है, ये बड़े रहस्यमयी होते हैं। मकर राशि वाले ज़्यादातर बातों को अपने दिल की गहराई में दबाकर और छुपा करके रखते हैं। मकर राशि वाले लोगों के राज, रहस्य को अपने अंदर छुपा पाने में काफ़ी माहिर होते हैं। मकर राशि वाले चुगलखोर नहीं होते हैं, इसलिए वे गंभीर होते हैं और मकर राशि वालों की इसी गंभीरता को लोग घमंड समझ बैठते हैं कि यार, ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है।
लेकिन सच पूछिए मित्रों कि ये उनकी गंभीरता है जो उनके चेहरे से झलकती है, लेकिन वे दिल से बड़े कोमल होते हैं। वे जब भी किसी से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो केवल दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, दिल का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिल और दिमाग दोनों को मिला करके रिश्ता जोड़ते हैं। मकर राशि वाले, अब उनका जीवन संघर्षमय क्यों होता है, अब मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ मित्रों। देखिए मित्रों, मकर राशि शनि देव की मूल राशि है, खुद की राशि है और सबसे नकारात्मक राशि है मकर राशि। और मकर राशि में शनि देव अपना नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देते हैं। मतलब समझ लीजिए कि जिनके पूर्व जन्म के कर्म ज़्यादा खराब होते हैं, वे मकर राशि में जन्म लेते हैं, और मकर राशि में जन्म लेने के बाद आपके साथ केवल 10% पॉजिटिविटी रहती है, बाकी 90% शनि देव की निगेटिविटी आपके साथ रहती है। यही कारण है कि बचपन के बाद, होश संभालने के बाद से लेकर के जीवन का पूरा आधा समय आप संघर्ष में बिता देते हैं, अपने करियर को स्टेबल करने में बिता देते हैं, अपने परिवार को सेटिस्फाइड करने में बिता देते हैं, अपने समाज को सेटिस्फाइड करने में बिता देते हैं, लोगों की नज़रों में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बिता देते हैं, बैंक बैलेंस बनाने और समाज में एक हैसियत बनाने और एक लंबी रकम का मालिक बनने के लिए इस समय बिता देते हैं, और इसी में आपका आधा जीवन बीत जाता है। लेकिन मित्रों, आधा जीवन बीतने के बाद शनि देव ऐसे लोगों को, यानी मकर राशि वालों को बहुत बड़ा पुरस्कार देते हैं, और यही मकर राशि वाले लोग आगे जा कर के लखपति करोड़पति बनते हैं। और हर मकर राशि वाला व्यक्ति अपने उम्र के 35 या 40 साल बाद, अगर शनि की स्थिति उसकी कुंडली में सही है, तो उम्र के 35 या 40 साल के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल करता है और उसके जीवन में हमेशा के लिए स्थिरता आ जाती है, उसका बैंक बैलेंस आसमान छूने लगता है और उसके सभी प्रतिस्पर्धी, सभी विरोधी उसके मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक बात और, मकर राशि वालों को सबसे ज़्यादा धोखा उनके रिश्तेदार देते हैं, लेकिन जब मकर राशि वालों को सफलता मिलती है तो वही रिश्तेदार फिर से उनके पास लौट लौट कर आने लगते हैं, लेकिन अफसोस मकर राशि वाले ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं। मकर राशि वालों की एक खूबी और होती है कि वे किसी का धोखा नहीं भूलते हैं, वे किसी का बदला नहीं भूलते हैं और समय आने पर अपने शत्रु से बदला जरूर लेते हैं। तो मित्रों, ये रही मकर राशि वालों के कुछ रहस्य की बातें। ओवरऑल आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और नहीं अच्छी है तो आप अपनी कुंडली चेक कराइए, पता कीजिए शनि की स्थिति और उसके अनुसार उपाय कीजिए, जिससे कि आपका लाइफ बेटर बन सके। मित्रों, इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें अपनी समस्या के समाधान के लिए, शनि की स्थिति चेक कराने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मेरी बातें कैसी लगी, सही लगी कि गलत लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मित्रों। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।